तो कैसे हैं आप सब? तो मेरे दोस्त, जैसे जैसे इस दुनिया में कोरोना वायरस बढ़ रहा था, वैसे वैसे ही लड़कियों के दिमाग में गोबर भर रहा था। अच्छा, नहीं ये फटे हुए कॉन्डोम की पैदाइश आगे कहाँ तक जाएगी? या तो लोगों को बेवकूफ बनाएगी या छिनाला करवाएगी। आओ यारो, कानों में हेडफोन डाल लो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। चलो। दम तो जिगर में होना चाहिए, जुबान तो कुछ भी बोल देती है। मजा नहीं आ रहा है, दोबारा कहना जरा। दम तो जिगर में होना चाहिए, जुबान तो कुछ भी बोल देती है। मैडम बात भी तो जिगर की कर रही है, और वो बात कर रही है जिनकी पैंट खुद से नहीं रुक रही है। क्या बोला तूने? मैडम तुम्हारे अंदर इतना जिगर है, इतना एटीट्यूड है, अगर किसी ने भी एक रहपट भी तुम्हारे मार दिया तो तुम्हारा गाल ऐसा हो जाएगा जैसे मुर्गी की गांड में से निकला हुआ ताजा ताजा अंडा। ब्रो, लोगों ने गलत बताया कि मैं बुरा हूँ। मैं बताता हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। जब लोग अपनी तारीफ अपने ही मुंह से करते हैं तो सच बता रहा हूँ, वो सुअर से कम नहीं लगते। और दीदी ने तो अपने ही मुंह से अपनी तारीफ कर ली। छोटी बच्ची हो क्या? ये बुरी दीदी वही है जो घर पे मेहमानों के जाने के बाद जब बर्तन साफ करने बैठती है तो उसमें लगी हुई खिचड़ी को जबान से चाट लेती है। और बात करती है बुरा बनने की। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों भगवान से डरो। एक बहुत बढ़िया स्कीम चल रही है, बताऊं क्या? सिर्फ तमीज में रहो, इज्जत फ्री फ्री फ्री। अब ये देख लो तमीज की बात भी कौन कर रहा है। एंड दीदी ने तो एक ही बनियान पहन पहन के उसकी नाक निकाल दी जिसपे लिखा है गर्ल्स आर द फ्यूचर, अजी घंटा फ्यूचर। दीदी अगर ये बनियान तुम किसी सड़क के किनारे बैठे भिखारी को देती हो तो वो तुम्हें इतनी दुआएं देगा जितनी ये बनियान तुम्हें गालियां नहीं देती है। तुम्हें क्या लगता है ये सब बचपना करके तुम बहुत अच्छे लग रहे हो? मैंने किसी को अच्छा लगना ही नहीं, मैं खुद को बहुत अच्छा लगता हूँ, ये मेरे लिए बहुत है। दीदी ने अभी मुंह अपना इस तरीके से फैलाया था जैसे किसी मेहमान ने आके इनके मुंह में रसगुल्ला रख दिया हो। और दीदी के बाल तो ऐसे फड़फड़ा रहे हैं जैसे छपकली की पूंछ कटने के बाद फड़फड़ाती है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तुम आज गाओ और आज मुद्दत के बाद ये पगली दिल खोल कर नाचेगी। अरे अरे, जाके कोई इन दीदी को समझाओ इन्होंने कौन सा सस्ता नशा फूंक लिया अपने मुंह में। मैडम जी थोड़ा शर्म करो, अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें देख लिया ना एक सांस में 15 रहपट मारेंगी, वो भी दिल खो।